नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट संतोष नजर पकेबा संपूर्ण खबर उपरे कटक जोब्रा अनिकट स्थित महानदी को डेईले महिला महिला उद्धार करने महानदी को डेईले महिला स्वामी उभय सुरक्षित उद्धार कर स्थानीय बासिंदा और अग्निशम विभाग पारिवारिक कलर एभली आत्महत्या उद्यम कर सूचना मिली उभय स्वामी स्त्री परिचय मिल ना बेले चिकित्सा एसीबी में भर्ती कर सीबीएसई क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा बातिल नहीं ओडिशा निष्पत्ति नेले ओडिशा सरकार से ही बाट अपनै युक्त दुई परीक्षा को बातिल करिसंती राज्य सरकार मुख्यमंत्री कहिसंती छात्र छात्री शिक्षक अभिभावक समस्त स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टि रखी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित चलित बर्षर द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल करागला किंतु राज्य में युक्त दुई क्षेत्र में इंटरनाल परीक्षा होनथिबारु विशेषज्ञों परामर्श नहीं मूल्यांकन राज्य सरकार निष्पत्ति नेबोलि कहिसंती राज्य में 8000 तलक खसला कोरोनार दैनिक संक्रमण गत 24 घंटा रे चिन्हट होती 7729 पॉजिटिव क्वारंटाइन 4331 और लोकल कंटाक्ट केस रही 3398 खोर्धारु सर्वाधिक 1062 आक्रांत चिन्हट होती कटक 720 संक्रमित होती अनुगुल 449 मयूरभंज 442 बालेश्वर 426 जाजपुर 388 पुरी 333 रायगढ़ 310 नुआ आक्रांत चिन्हट होती गतकाली 68604 कोविड टेस्ट होता पॉजिटिव हार 11% को खसी सेपरि गत 24 घंटा मध्य राज्य में 39 जन जीवन नहीं कोरोना राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 2912 को वृद्धि पाई खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 6 जन जीवन जाई अनुगुल झारसुगुड़ा कलाहांडी रायगढ़ सुंदरगढ़ 3 जन लेखाएं कोरोना आक्रांत प्राण हर पुरी गजपति गंजाम देवगढ़ कटक बौद्धर 2 जन लेखाएं आक्रांतों मृत्यु होती बलांगीर ढेंकानाल जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा मयूरभंज संबलपुर जड़े लेखाएं प्राण हर राज्य में वर्तमान पीक अतिक्रम कर सारी कोरोना धीरे धीरे कमे आशा कर आज द्वितीय लहर पीक पर सबुठ कम 11.2% पजिट रेट रही लॉकडाउन सरवा बेलू यह 5% तौक खसी आसत तौक खसिले सरकार कटक कोहल करें जो कि जिले में किसी अधिक रठार सरकार कटक सबुठ खराब स्थित चली जाइए स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र कहते ग्राजुअली आम कम संक्रमण हार जो टोटल जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट से आज 11.2 को आज सब लोएस्ट आमर जो सेकेंड वेव जो पीक थी आम 26% थी तेनालीटा बहुत भल एटा ग्राजुअली कम आम जाचे 5% तलू गले WHO हिसाब से आम धीरे धीरे आम रिलैक्सेशन करा कथा जहाँ आम जो लॉकडाउन मेजर्स अच्छी मतलब लगुच 17 तारीख बेलू जो सर यही फेज्रे लॉकडाउन से आम पाखापाखी 5% थी आटलिस्ट ना मेजोरीटी डिस्ट्रिक्ट 5% तौक जा तेणु आटलिस्ट सेसबू जगह तो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन कोहल निश्चय हे सेपटे सेकेंड डोज रस जाए विलंब हेले किसी असुविधा ना रिसर्च अनुसार सेकेंड डोज विलंब हेले मृत्यु हार 20% कमी आसुची अन्य वैक्सीन क्षेत्र में यह देखा मिलूँ से तृतीय लहर पर सरकार आगुआ कमिटी कराफल तृतीय लहर जो समस्या है तृतीय लहर में होनी किंतु तृतीय लहर बड़धरण आसवन स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र कहते 18-44 वयस वर्गों द्वितीय डोज टीकाकरण पर बीएमसी प्रस्तुति आरंभ आसंता 8 और 9 तारिखर आरंभ हो स्वतंत्र ड्राइव टीकार अभाव कारण बंद या मोबाइलाइजेशन केन्द्र पुणी हेबो कार्यक्रम एवं पूर्वर गत मे 3-5 तारीख में प्रथम डोज नहीं व्यक्ति को दिज्व द्वितीय डोज टीका मोबाइलाइजेशन सेंटर जरिया टीका नहीं व्यक्ति को बीएमसी पक्ष सूचना दिज्वा सह पूर्व केन्द्र में ही दिज्व टीका तेज जो कोविन आप जरिया स्लॉट बुकिंग करी टीका नहीं पुणी स्लॉट बुकिंग करने को पड़े टीकार परिमाण को दृष्टि रखी टीकाकरण हो सूचना देते बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर लक्ष्मीकांत सेठी बीएमसी तरफ रु जो माने ऑनलाइन रे बुक करथुले स्लॉट से माने बुक करिकरी तांकर सेकंड डोज पई 8 तारीख रु नै परिबे एवं जो मानकु आमे 9 मोबिलाइजेशन सेंटर रे कूपन द्वारा निमंत्रण करथिलु एवं सुरक्षित भावे तांकु टीकादान करथिलु फर्स्ट डोज से मानकु आमे बाय इंटिमेशन अगेन सही काउंटर को बा सही वैक्सीनेशन सेंटर को 8 तारीख अनवर्ड्स तांकु भी निमंत्रण करिकि सेकंड डोज दबारो सुबंदोबस्त बीएमसी तरफ रु करा जाय अछि विशेषज्ञ मानक परामर्श को ग्रहण करी तृतीय लहर पर प्रस्तुति आरंभ हो शिशु अधिक प्रभावित होवार आशंका थी से पदक्षेप नि बेड संख्या वृद्धि सह
ट्रेनिंग कार्य आरंभ होइछि केउठी बेड बढ़िबो केउठी आईसीयू व्यवस्था हेबो किपर ट्रेनिंग दिआजिबो से दिगरे बे व्यवस्था चलिछि। वर्तमान राज्य रे जनरल बेड मात्र 48% व्यवहार होउछि, वेंटिलेटर ओ ऑक्सीजन बेड 60% फिलअप होइछि, 5 रु 6 टी जागा रे बेड बढा जाइछि। अनपटे राज्य रो पॉजिटिव हार धीरे धीरे सुधार आसुछि, जून शेष बळकु स्थिति रे पूरा सुधार आसे थवा बोली कहिसेंति स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। वर्तमान बेड अवेलेबिलिटी उपर जनरल बेड यूटिलाइजेशन मोटे 39% अच्छी, वेंटिलेटर आमर ऑक्सीजनेटेड बेड यूटिलाइजेशन अराउंड 60% अच्छी। तथापि नुआ जगार आमर का पांचटी छोटी जगार सीसीसी डीसीएससी डीसीएस बढ़ा जाइए। आप जो बेड कथा कहले आग को जोटा एक्सपर्ट मैंने इंटरनेशनल एक्सपर्ट मैंने कर फोरकास्ट दर मे बी ए थर्ड सर्ज पेडियाट्रिक एज ग्रुप इफेक्ट हे तापाई भी आमर आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेड कौ जगार बेड बढ़ेबू कौनती आईसीयू पिलामनन पई करबू केमिति ट्रेनिंग दिया जीवो से व्यवस्था भी चलछ। देशरे लगातार कमुछे संक्रमण, गत 24 घंटे आउ 1,32,364 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती, से 2,713 जनों कोरोना मृत्यु होती, सेपटे 2,07,071 जन कोरोना सुस्थ होती। लगातार 22 दिन में देश में सर्वाधिक आक्रांत सुस्थ होती, अंपटे जबत 2,65,97,665 जन सुस्थ होती। सेपरी वर्तमान सुधा देश में 22,41,09,448 जन वैक्सीन नहीं सारे। बालेश्वर जलेश्वर में क्राइम ब्रांच एसटीएफ चढ़ाऊ 2 केजी रु अधिक ब्राउन सुगार जबत कर, एसटीएफ जबत ब्राउन सुगार रो आनुमानिक मूल्य 2 कोटी टंका रु अधिक हो सूचना मिली। यासह 3 जन को गिरफ्त कर एसटीएफ ब्राउन सुगार बिकवा को जगिता बेले ग्राहक बेस में माड़ बसला एसटीएफ, 3 बेपारी धड़ाजर लिंक नहीं चली खोलता। राजधानी आईजी पार्क निकट में प्रेमी जुगल हाई ड्रामा, 2 प्रेमी जुगल परस्पर को गला अक्टोबर मसू उभय उभयू भल पाते लिविंग रिलेसनशिप भुवनेश्वर में अनेक होटेल अनेक थर रोते। आज आईजी पार्क निकट में या प्रेमिका बहुत करने जिद धरी बसले कि प्रेमिक जनक राजी नवर खसी पड़ा बसते समय दुजों मध्य जुक्तितर्क हाथाहाती पर्यटन कथा जाता तेज घटनास्थल में कैपिटाल थाना पुलिस पहुंची 2 जन को थाना को नहीं पचराउचरा कर। खबर आग को जारी रहा, वर्तमान एक कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक पर स्वागत, परवर्ती खबर। सीएसआईआर सोसाइटी बैठक में वैज्ञानिकों को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री मोदी, कहते वर्षक प्रस्तुत होती मेड इन इंडिया वैक्सीन, वर्तमान आम वैज्ञानिक अगर देशर वैज्ञानिकों कांधे कांध मिसाई काम करते मानव समाज पर कौन संकट आसी विज्ञान भल भविष्य रास्ता प्रस्तुत कर वैज्ञानिक मैंने देश को आत्मनिर्भरशील कर। मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना, और यही तो साइंस का मूलभूत स्वभाव है, बेसिक नेचर है। यही काम सदियों से दुनिया के और भारत के वैज्ञानिकों ने किया है, यही काम वो आज एक बार फिर कर रहे हैं। आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। एक साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया।
भारत महान धावक मिल्खा सिंह को आईसीयू में भर्ती करा। शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन रे कथा होई स्वास्थ्य विषय में पचारि बुझिंट। प्रधानमंत्री शीघ्र आरोग्य कामना करने से शीघ्र सुस्थ हो टोकियो ओलंपिक्स में अंशग्रहण करुवा आथलेट मनोबल वृद्धि करेंगे बोली प्रधानमंत्री आशा प्रकाश करते। कोरोना आक्रांत पद्मश्री मिल्खा सिंह स्वास्थ्यावस्था हठात खराब होव गुरुवार पीजीआई में भर्ती करने को पड़ता कोविड हस्पिटाल आईसीयू वार्ड में भर्ती कराई अवस्था स्थिर रही। मे 19 तारीख में 91 वर्षीय मिल्खा सिंह कोरोना आक्रांत होते। सीबीएसई स्कूल गुड़िक खूब शीघ्र आरंभ होगाक जाउछि नुआ वर्षर पाठ्यक्रम। नुआ शिक्षाबर्ष आरंभ होबा पूर्वरु मोदी सरकार शिक्षानीति अनुजाई एक बड़ पदक्षेप नेइछन्ति। एणिकि सीबीएसई स्कूल कोडिंग एवं डाटा साइंस पाठ्यक्रम सामिल करबाक निष्पत्ति नेइछन्ति सरकार। नुआ शिक्षानीति अनुजाई सरकारंकर एहा प्रतिश्रुति थिला बोली शुक्रवार ट्वीट करि कहिछन्ति केन्द्र शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। माइक्रोसॉफ्ट को समिसी भारत सरकार एक कोडिंग एवं डाटा साइंस पाठ्यक्रम को आनी द्वारा छात्र छात्री नुआ पाठ को पढ़ीपरार सुजोग पाए आस सीबीएसई रा चाहिदा बढ़ देश जो भाई आधुनिकरण हो पाठ्यक्रम छात्र छात्री को सहायक हो मंत्री आशा व्यक्त कर। सेपटे सीबीएसई कही स्टैंडर्ड 6-7 जाए 12 घंटिया स्कूल मॉड्यूल भाव में कोडिंग अंतर्भुक्त हो पिलांकर जुक्तियुक्त भाव में चिंता करार क्षमता वृद्धि कर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय जानवाक अधिक सामर्थ्य हे डाटा साइंस विषय में स्टैंडर्ड 8-12 घंटार स्किल मॉड्यूल भाव में अंतर्भुक्त होता बेले एकादश और द्वादश श्रेणी एक स्किल दक्षता पाठ्यक्रम भाव में अंतर्भुक्त हो। अमेरिका रे कोरोना संक्रमण गवेषणार भारतीय गवेषक मानकर आवश्यकता रही है। अमेरिकीय नेफेकोसियस डिजीज कंट्रोल अध्यक्ष आंथोनी फोसी कहते अमेरिका रे चलता कोरोना नियंत्रण गवेषणा क्षेत्र में भारतीय गवेषक माने सहायता करिपारिबे विश्व को कोरोना महामारी कबल रक्षा करिवारे भारतीय स्वास्थ्य गवेषक मानकर योगदान अतुलनीय। फसी कहवा अनुजाई कोरोना एक ग्लोबल पैंडेमिक नहीं चली गवेषणार विभिन्न देश में गवेषक मानकर सहयोग आवश्यकता रही तेज विशेष भाव में भारत में कोरोना संक्रमण को नहीं किपर गवेषक गुरुत्व दिया प्रशंसा करते फ्योस। भारत और अमेरिका भितर दीर्घ दिन धरी चली वैक्सीन आक्शन प्रोग्राम भित्ति में भारतीय गवेषक मान सहित कोरोना संक्रमण को रोकवा दिगरे अनेक आलोचना कर। 2022 फिफा फुटबॉल विश्वकप क्वालिफायर कतार तो राजधानी दोहा में खेल जा एक मैच रे कतार ठारू एक 1-0 गोल रे हारिला भारत। विपक्ष टीम पक्षर आबेदल अलीज मैच रे 33 मिनिट रे एकमात्र गोल करते यार जवाब रे भारत शेष पर्यंत कौन गोल कर पारिनथिला। मैचर 70 मिनिट रे भारतीय डिफेंडर राहुल भेकेर रेड कार्ड पाई पड़िया विदा होगा 10 जन खेलाड़ी मैच खेली भारत 10 कार्ड पाइबा पूर्व मैच 9 मिनिट रे रेफरी राहुल को येलो कार्ड देते सेपर जून 7 रे खेल जा मैच रे भारत बांग्लादेश को भेटिव। कोविड परिचालन प्रशासन अवहेला अभियोग कटक जिला नियाली कोविड परिचालन प्रशासन चरम अवहेला अभियोग करी बीजेपी पूर्वतन राज्य बीजेपी प्रवक्ता नवत्र राउत एने नियाली तहसीलदार और थाना अधिकारी को भेटी कटक जिलापा उद्देश्य से 7 दफा संबलित एक दावीपत्र प्रदान कर जून 2 तारीख सुधा नियाली 701 जन कोविड संक्रमित चिन्हट होता बेले एवं गांव में थंडा ज्वर लगी रही तेज नियाली नियमित कंटाक्ट ट्रेसिंग एवं टीकाकरण में व्यापक व्यवस्था आने सहित कोविड परिचालन बैठक बस ना अभियोग आनी बीजेपी। आज मुझ 7 दफा संबलित दावीपत्र तहसीलदार को प्रदान करी नियाली रे कोरोना कटकणार पालन करिवारे प्रशासन संपूर्ण रूपे प्रशासन विफल होती प्रशासन विफलतार तीव्रता आज चतुर्दिगर अनुभूत होती नियाली प्रशासन संपूर्ण रूपे दिघरा कौन जगह लॉकडाउन पालन करा सामाजिक दूरत्व नहीं कंटाक्ट ट्रेसिंग नहीं टेस्टिंग नहीं सबुरे प्रशासन विफल होती प्रशासन विफलता चतुर्दिगर अनुभूत होती सरकार गोटे टीम गढ़ी कोविड को प्रति परिचालना करने से टीम अध्यक्ष होती वीडियो मात्र वीडियो नियाली रे संपूर्ण रूपे अनुपस्थित रोचान जदि टीम अध्यक्ष अनुपस्थित रे अन्य सभ्य मैंने अनुपस्थित रे केमी से कोरोना को प्रतिहत करेंगे ये आपण मामने मो सामने समस्त सामने एक प्रश्नवाची सृष्टि कर मो 7 दफा दाबी नहीं तहसीलदार को भेटी मोर मुख्य दाबी हूँ जो टीम टी बसु एवं रेगुला कार्यर समीक्षा करूँ आगामी दिन पर कार्यपन्था स्थिर करूँ लॉकडाउन कार्य को समस्ते सठिक भाव में मानतु एवं नियाली रे प्रशासन तत्पर ही कोरोना को प्रतिहत करूँ। मंदिर भितर भालुपल नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक सिंधिगुड़ा गांव में बड़ देवता मंदिर भितर भालुपल को देखा मिली। आज सकाल प्राय 6:30 समय मंदिर परिसर में जंगली भालुपल बुलुवर देखा मिलता भालुपल मंदिर भितर बाहर देख गांवर जे युवक मोबाइल रे दृश्य को रेकर्ड करते खबर पाई ग्रामवासी भालुपल को गोड़ाई या स्थानीय लोक भयभीत अवस्था अच्छा सेपटे घटना वन विभाग कर्मचारी तत्परता प्रकाश करने को स्थानीय लोके
ଖବର ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ହେବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ଖବର ଉପରେ। ନୂଆ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଳିପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଫୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲିଛି ଯାନିଯାତ୍ରା। ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋସମଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କର୍ଚ୍ଚାମାଲ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଗଣପର୍ବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଶହ ଶହ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ନାଚଗୀତରେ ଆଶ୍ର ଜମାଇଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନାଚଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କାରିମରେ ମାସ୍କ ନଥିଲା କି ନଥିଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜମା ହେବା ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କୁଣିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଶିବପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁଣିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରିତା ମହାପାତ୍ର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲା ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଟୋ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଫଳରେ ଅଟୋଟି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଖବର ପାଇ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାପାଲ୍ଲୀ ଛକ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉଭୟପଟେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଅଟକ ରହିଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀନଗର ସ୍ଥିତ ରଥଖଳାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ହାତାହାତି ଦୁଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀ ସେବାୟତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ହାତାହାତି ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ସେବାୟତ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ରମେଶ ମହାପାତ୍ର। ରଥଖଳାରେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରଥଖଳାରେ ଏଭଳି ହାତାହାତି ହେବା ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଡାଲିମା ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ଧକ୍କାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଭରଲୋଡ୍ କରିଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନିଜ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। 2 ଜଣ ମୃତକ ହେଲେ ତରଣୀ ବିହାରୀ ଏବଂ ସିପୁ ବିହାରୀ। ମୃତ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନେଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଲୋକେ ଧରି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଗାଁରୁ ଜଣେ 16 ବର୍ଷର ଗର୍ଭବତୀ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମଣ୍ଡକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ନାବାଳିକା ଜଣକ 8 ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀପତି ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି। ନାବାଳିକାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ ପୋସ୍କୋ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଖୋଜୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରାଜସ୍ୱ ରଥକୁ ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲ ହେମନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଅଯଥାରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ସମସ୍ତ ରହିଛି ଅର୍ଗସ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।